हेलो एवरीवन दिस इज द ट्वेल्थ पार्ट ऑफ यूनिट नंबर सेवन द पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड द लास्ट लेक्चर हमने देखा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है इस ग्रुप के मेम्बर्स की नाउ लेट स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज़ नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जब हम डिस्कस करते हैं तो वेरी फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक है तो यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट द ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज ऑल हैलोजेंस एग्जिबिट माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट सारे हेलोजेंस हमें कौन सा स्टेट दिखाएगी माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट ओके बाकी जो एलिमेंट्स है दैट इज क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन ये सारे कुछ वराइटी दिखाते, दिखाते हैं वेरिएशन दिखाते ऑक्सीडेशन स्टेट में बट इन जनरल जो भी हेलोजेंस हैं वो आपको ये स्टेट तो दिखाई गई दिखाई गई ठीक है तो माइनस वन तो हर किसी में पॉसिबल है सारे हेलोजेंस में अब स्पेशली जब हम फ्लोरिन की बात करते हैं तो फ्लोरीन जो है ये सिर्फ माइनस स्टेट दिखाता है माइनस वन का ओके आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस डिफरेंस फ्लोरीन जो है ये सिर्फ माइनस वन वाला ही पॉसिबल होता है इसमें आपको माइनस वन स्टेट ही देखने को मिलेगा फ्लोरीन में जबकि क्लोरीन हो गया ब्रोमीन हो गया आयोडीन हो गया ये माइनस वन तो दिखाई गए ही उसके अलावा बाकी भी पॉसिबल होता है जैसे प्लस वन हो गया प्लस थ्री हो गया प्लस फाइव हो गया देन प्लस सेवन हो गया ये सारी वैराइटीज़ भी अवेलेबल होती है किन के लिए क्लोरीन के लिए ब्रोमिन के लिए एंड आयोडीन के लिए ठीक है बट जब हम फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ माइनस वन दिखाएगा ठीक है द नेक्स्ट पॉइंट इज क्लोरीन ब्रोमिन आयोडीन द एग्जिबिट प्लस वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट ये प्लस फाइव हो गया प्लस थ्री हो गया प्लस सेवन ये सारे स्टेट्स भी दिखाता है ठीक है तो फ्लोरीन कौन सा दिखाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट इट विल शो ओनली माइनस वन एंड क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सारे इतने वेरिएशन दिखाते हैं नाउ क्लोरीन है ब्रोमीन है आयोडीन है, है ये सारे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं वो हमने अभी देखा बट कब दिखाई गई है सो दे विल शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वेन इन कॉम्बिनेशन विथ स्मॉल एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरिन एंड ऑक्सीजन एटम अब फ्लोरिन जो है ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का ये हम अब तक जान चुके हैं अब फ्लोरीन के अलावा कौन सा दूसरा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन के बाद आता है क्लोरीन ब्रोमिन आयोडीन मतलब ये सारे एलोजेंस का नंबर ऑक्सीजन के बाद आता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन और उसके बाद अगर हम दूसरे एलिमेंट की बात करें तो दैट इज गोइंग टू बी ऑक्सीजन तो जब ये क्लोरीन है ब्रोमीन है आयोडीन है ये सारे ऐसे किसी एलिमेंट के साथ कंबाइंड हो जो पहला तो छोटा हो साइज में जिसका साइज स्मॉल होना चाहिए एंड दूसरी बात कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए इन तीनों के मुकाबले ठीक है अगर मैं क्लोरीन की बात कर रही हूँ तो क्लोरीन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कब दिखाएगा जब वो कंबाइन करेगा किसी ऐसे एलिमेंट से जो सबसे पहले तो छोटा हो जिसका साइज छोटा होना चाहिए और दूसरा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से तो ज़्यादा होनी चाहिए तो क्लोरीन से आगे हमारे पास फ्लोरीन आ गया ऑक्सीजन आ गया ओके तो इन केसेस में ये दिखाते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जाम्पल इन इंटर हैलोजेंस ऑक्साइड्स एंड ऑक्जो एसिड्स उसके अलावा जो प्लस फोर प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है ये हमें देखने को मिलता है ऑक्साइड्स में एंड ऑक्जो एसिड्स ऑफ सल्फ क्लोरिन एंड ब्रोमीन ओके ऑक्साइड्स एंड ऑक्जो एसिड्स ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन तब हमें कौन सा स्टेट देखने को मिलता है प्लस फोर एंड प्लस सिक्स वाला अब क्लोरीन जो है ये इतना वैरायटी दिखाएगा कब दिखाएगा वो भी पता चल गया जब वो किसी के साथ कंबाइन कर रहे हैं जो छोटा हो और दूसरा उनसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल थ्री एलिट्स दैट इज क्लोरिन ब्रोमिन एंड आयोरिन अब फ्लोरिन जो है ये माइनस वन पे ही क्यों अटक जा रहा है क्या इशू है इसके साथ तो यहाँ पे दस क्लिप हम देख सकते हैं कि फ्लोरिन जो है यहाँ पे पहले तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ये दूसरा वाला ब्लैंक है जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तब ये फ्लोरिन ज्यादा स्टेबल हो जाता है ठीक है क्योंकि हेलोजन के परिवार से तो ये बिलोंग करता है तो इसको बस एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत और है तब तो ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन ले लेगा रिमेंबर हमारे पास कन्फिग्रेशन क्या होता है फ्लोरिन का इट इज एन एस टू एन पी एन एस टू एन पी फाइव राइट मतलब इस एन पी फाइव में हमें एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए एक इलेक्ट्रॉन और आया मतलब इसने नोबल गैस कन्फिग्रेशन ले ली तब तो इसका घर सेटल हो गया तो इस एक इलेक्ट्रॉन को जब हम इस यहाँ पे हम देख रहे हैं जब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है पहले ये ब्लैंक था अभी इलेक्ट्रॉन जब इधर आया तो क्या हो गया फ्लोरिन ज़्यादा स्टेबल हो गया तब मतलब क्या इसने एक गेन किया अब हमें पता है जब भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं तो क्या चार्ज लगता है उनपे माइनस वन एंड जब डोनेट करते हैं तब लगता है प्लस वन सो so, फ्लोरीन एटम माइनस वन ही क्यों दिखाता है बिकॉज इट हैज़ नो डी ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल अब इस बेचारे का एक ही तो प्रॉब्लम है कि इसका घर छोटा है ओके okay? सो so, क्योंकि इनका घर छोटा है ये लिमिट करते हैं सिर्फ टू पी तक ओके okay? क्योंकि इनका कन्फिग्रेशन है टू एस टू टू पी फाइव अब क्वांटम नंबर टू है मतलब उसमें डी तो आएगा नहीं हमें पता है कि डी कहाँ से स्टार्ट होता है इट स्टार्ट फ्रॉम थ्री डी राइट उसके लिए हमें थ्री चाहिए लेकिन यहाँ पे तो टू है तो आगे वेकेंट भी अवेलेबल नहीं रहेगा ओके okay? सो so, क्योंकि इसका घर टू पी पे ही अटक जाता है इसके पास कोई डी ऑर्बिटल नहीं है यहाँ पर डी ऑबिटल इज़ नॉट अवेलेबल तो क्योंकि डी ऑबिटल अवेलेबल नहीं है ये फ्लोरिन ये बेचारा अपना ऑप्टिक एक्सपांड नहीं कर सकता एज़ कम्पेयर टू क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन ये सब कैसे ये बड़े घर के एलिमेंट्स हैं ठीक है दिज आर हाई फाइव पीपल इनका घर बड़ा है ये एक्सपांड कर सकते हैं ऑक्टेट बट फ्लोरिन के साथ वो केस नहीं है क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल ही नहीं है तो ये अपना ऑक्टेट बढ़ा नहीं सकता ये एक्सपांड नहीं कर सकता सो बींग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये सिर्फ माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है ओके सो यहाँ पे देखते हैं कि हेलोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट मतलब फ्लोरीन के अलावा जो भी हेलोजन एटम्स है जैसे फ्लोरिन का हम जानते हैं इट इज एन एस टू एन पी फाइव राइट वन सेकेंड इट हैज टू बी वन एस टू सॉरी टू एस टू टू पी फाइव राइट फ्लोरिन के लिए ये है कन्फिग्रेशन बट जब हम क्लोरीन की बात करें दैट इज नेक्स्ट एटम जो नेक्स्ट एलिमेंट जो है फ्लोरिन के पास वहां पे कन्फिग्रेशन क्या हो जाती है थ्री एस टू थ्री पी फाइव राइट right? अब थ्री आ गया मतलब यहाँ पे वेकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है ओके okay? भले उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है बट खाली तो पड़ा है ओके okay? उनके पास एक्स्ट्रा जगह तो है मेन घर के अलावा इनके खुद के घर के अलावा एक फार्म हाउस भी पड़ा है इनके पास तो अगर कभी ज़रूरत पड़े तो दे यूज़ दिस फार्म हाउस ये वेकेंट डी ऑर्बिटल ये लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बट फ्लोरिन के केस में वो चीज़ नहीं हो पाती क्योंकि ये टू पर ही अटक जाता है और टू पर तो डी ऑर्बिटल अवेलेबल ही नहीं है ठीक है सो हैलोजन इन ग्राउंड स्टेट अदर देन फ्लोरिन क्या कंडीशन होगी दस वन मतलब एन एस में इलेक्ट्रॉन रहेगा एन पी में पाँच इलेक्ट्रॉन्स रहेगी एंड दिस इज एन डी मतलब यहाँ पर डी ओबिटल अवेलेबल है भले खाली पर है ओके सो वी हैव वन अनपेड इलेक्ट्रॉन दिस अकाउंट्स फोर माइनस वन और प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट अब जब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आएगा जब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आएगा तब क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा इस फार्म हाउस में मतलब एक्साइटेड स्टेट में गया अब इसके पास जगह है तो ये उसे यूज़ कर सकता है तो यहाँ पे क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन जो थोड़े कंजेशन से रह रहा था यहाँ पे इस सिंगल वाले को हाथ नहीं लगाना है ये तो बेचारा अकेला ही है कमरे में तो इसको क्या प्रॉब्लम जो कंजेस्टेड होके रह रहे हैं उनको तकलीफ होगा तो दीज टू इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में वन ऑफ दीज टू इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे दे विल जंप टू नेक्स्ट ऑर्बिटल दैट इज द डी वेकेंट ऑर्बिटल क्योंकि ये खाली पड़ा है ये लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हम क्या देखते हैं वी सी थ्री अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पहले तो टू uh, पहले तो एक ही था अभी यहाँ पे थ्री कैसे हो गए बिकॉज इस पेडअप वाले इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन जम करके हायर ऑर्बिटल में चला गया ओके सो विद दिस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वी हैव थ्री अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मतलब अब ये प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट्स तक भी दिखा सकता है ओके सो प्लस वन प्लस थ्री माइनस वन ये तो फुलफिल हो गया अब उसके अलावा यहाँ पे भी वी हैव पेड इलेक्ट्रॉन्स तो ये भी पॉसिबल है कि ठीक है जगह तो है इनके पास मतलब अगर ये चाहे तो ये एक्साइटेड स्टेट में जाके जंप कर सकता है तो इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या होगा ये जो इलेक्ट्रॉन कंजेस्टेड रह रहे थे ये जंप कर जाएगा इस वेकेंड ऑर्बिटल में तो इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट वी सी देर आर फाइव अनपैड इलेक्ट्रॉन्स इसके पहले वाले में सिर्फ तीन थे ये अचानक से कैसे बढ़ गया बिकॉज इस वाले में जहाँ पे ये पैड होके रह रहे थे यहाँ पे क्योंकि कंजेस्टेड था और इनके पास वेकेंट जगह है तो इसमें से एक जंप करके वेकेंट पार्ट में चला गया ओके okay? तो हमें मिल गए पांच अनपैड इलेक्ट्रॉन्स अब क्योंकि पांच अनपैड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो देर आर चांसेस कि ये लोग प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकते हैं ठीक है नाउ अभी भी यहाँ पे जगह तो है ओके दे हैव वेकेंट ऑर्बिटल्स और यहाँ पे भी ऑबिटर है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कंजेस्टेड रह रहे हैं ठीक है पैर होकर रह रहे हैं तो इन दी थर्ड एक्साइटेड स्टेट क्या करेगा ये अगर इसे मौका मिला तो थर्ड एक्साइटेड एक्साइटेड स्टेट में ये क्या करेगा इस इलेक्ट्रॉन को अब जम्प करवा के इस वेकेंट पार्ट में ले जाएगा तो क्या हो गया थर्ड एक्साइटेड स्टेट में वी हैव सेवन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स विच अकाउंट्स फॉर सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक है मतलब माइनस वन तो हमें पता ही है वो तो आएगा ही आएगा उसके अलावा प्लस वन कहाँ से आया वो हमने देख लिया इस फर्स्ट स्टेप में फिर थ्री प्लस थ्री वाला स्टेट इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में प्लस फाइव का स्टेट देखा एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट में प्लस सेवन का स्टेट देखा ओके ये चीज़ें ये कब दिखाएगा जब इसके पास कोई ऐसा एलिमेंट आया जो इससे भी दुगना भारी होगा मतलब क्लोरीन तो है हाइड्रोजन ठीक है इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाँ ठीक है बट कोई ऐसा एलिमेंट आ गया जो इसका भी इससे भी ज्यादा है मतलब इसका भी बॉस निकलेगा दैट इज ऑक्सीजन हो गया फ्लोरीन हो गया ये सारे कैसे एक तो साइज में छोटे हैं और दूसरा इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन और फ्लोरीन ठीक है तो उन केसेस में हम ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स का कंडीशन देख सकते हैं ओके सो फ्लोरिन जो है इसमें आपको हमेशा माइनस वन का ही स्टेट देखने को मिलेगा ओके रिमेंबर दैट दे आर देख रिएक्टिव इन नेचर कैसा नेचर होता है एलोजेंस का दे आर हाईली रिएक्टिव ये मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं हलाइट्स बनाते हैं ओके सो दे आर ये रिएक्टिव दे रिएक्ट विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म हलाइट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस क्लिप ओवर यर एलूमिनियम फॉल को जब हम प्री हीट करते हैं जब उसे गर्म किया जाता है और ऐसे एक फ्लास्क में रखा जाएगा जहाँ पर ऑलरेडी क्लोरिन होगा जब इसे बंद करोगे आप जब ये कॉन्टैक्ट में आएगा क्लोरिन के साथ तो ये कुछ ऐसा दिवाली धमाका दिखाएगा सो दिस शोज के कितना रिएक्टिवली रिएक्शन हो रहा है अब ये जो रिएक्टिविटी होती है रिएक्शन की ये जो हाइलोजेंस की रिएक्टिविटी होती है ये क्या होती है ये कम होती जाती है जैसे जैसे हम डाउनवर्ड जाते हैं ग्रुप में मतलब जब हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ मूव करेंगे यहाँ पर फ्लोरिन लास्टली आयोडीन जब आयोडीन की तरफ हम धीरे धीरे मूव करेंगे तो क्या होगी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी फ्लोरीन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है मोर रिएक्टिव जबकि आयोडीन है वो लेस रिएक्टिव है तो डाउनवर्ड जाते हुए रिएक्टिविटी कम हो रही है अब ये जो रेडी एक्सेप्टेंस होता है हेलोजेंस का अब तक हमने देखा है कि ये कोई भी हाइलोजन है ये बहुत तुरंत इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा एक्स माइनस बनाएगा ठीक है ये जो टेंडेंसी होती है इनके इलेक्ट्रॉन्स को बहुत तुरंत एक्सेप्ट करने की दिस इज़ द रीज़न फॉर द स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ओके ये जो एक्सेप्टेंस प्रॉपर्टी है इनकी इलेक्ट्रॉन्स को बहुत तुरंत एक्सेप्ट करने की यही एक वजह है कि वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर के तौर पर भी काम करते हैं हेलोजेंस ओके okay? अब जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे एफ टू का तो फ्लोरिन जो है फ्लोरिन क्या होता है इट इज़ दी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हेलोजन और ये हलाइड आयंस को ऑक्सीडाइज करता है चाहे वो सल्यूशन में हो या फिर इवन इन सॉलिड फेज सॉलिड फेज के साथ साथ सल्यूशन भी इन दोनों फॉर्म्स में ये हलाइड आयंस को क्या कर लेता है ऑक्सीडाइज कर लेता है क्यों बिकॉज फ्लोरिन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हेलोजन है ठीक है जबकि अगर मैं आयोडीन की बात करूँ लाइक आई जस्ट सेड आयोडिन की तरफ मूव करते हुए रिएक्टिविटी कम होती जाएगी तो अगर फ्लोरिन स्ट्रॉगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो आयोडिन क्या हो जाएगा आयोडिन विल बी वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक है वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हेलोजन दैट वी हैव अब यहाँ पे इन जनरल अगर हमें देखना है तो हेलोजेंस जो होंगे वो ऑक्सीडाइज करेगी हलाइड आयंस को ऑफ हायर अटोमिक नंबर मतलब अगर मैं किसी एक्स एलिमेंट की बात कर रही हूँ क्या ये क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर सकेगा तो ये तभी इसके आयन को ऑक्सीडाइज कर पाएगा जब इस क्लोरीन के मुकाबले इस एक्स के मुकाबले क्लोरीन का अटोमिक नंबर ज़्यादा होना चाहिए क्या होना चाहिए हाई होना चाहिए क्या अटोमिक नंबर किसका इस क्लोरीन का किसके कंपैरिजन में इस एलिमेंट के एक्स के कंपैरिजन में जो इसे ऑक्सीडाइज़ करना चाहता है सो so, अगर मैं फ्लोरीन का एग्जांपल लूँ दैट इज़ इन दिस इन द फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे फ्लोरीन जो है ये रिएक्ट कर रहा है इस एक्स माइनस के साथ और क्या दे रहा है क्योंकि ये जब ऑक्सीडाइज़ करता है मैडम सही कि अगर कोई चीज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर तो पे काम कर रही है तो आपको पता है अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब क्या वो दूसरे को अच्छे से ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद क्या हो रहा है खुद रिड्यूस हो रहा है खुद रिडक्शन कर रहा है और दूसरे को क्या कर रहा है अच्छे से ऑक्सीडाइज कर रहा है तो यहाँ पर जब ये जो फ्लोरिन आइटम है फ्लोरिन है ये जब एक्स माइनस को रिएक्ट करेगा तो खुद क्या होगा रिड्यूस होगा और एक्स माइनस माँण, क्या हो जाएगा वो ऑक्सीडाइज़ हो जाएगा अब ये जो फ्लोरीन रिड्यूस हुआ क्योंकि ये दूसरे को ऑक्सीडाइज़ कर रहा है तो ये खुद रिड्यूस होगा तभी तो ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर रखेगा तो F माइनस अगर रिड्यूस हो रहा है तो कैसा रिएक्शन दिखाता है F माइनस रिडक्शन करेगा इलेक्ट्रॉन को गेन करके और बनाएगा F माइनस तो हमें वही मिलता है यहाँ पे ठीक है अब इस इक्वेशन में ये जो एक्स लिया था ये एक्स के चांसेस क्या क्या है मतलब ये कौन से कौन से हाइलोजेंस हो सकते हैं इट कैन बी क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन ठीक है ये जो एक्स था ये क्लोरीन भी हो सकता है ब्रोमीन भी हो सकता है आयोडीन भी हो सकता है तो ये चीज़ कैसे पता चल रही है बिकॉज फ्लोरिन का अटोमिक नंबर क्या है नाइन है जबकि क्लोरिन का क्या होता है इट इज़ सेवेंटीन ओके सो अब क्योंकि क्लोरीन का जो अटोमिक नंबर है वो ज़्यादा है फ्लोरिन से तो यस फ्लोरिन उसे ऑक्सीडाइज़ कर सकता है क्लोरिन को बट अगर हम उल्टा जाए मतलब इफ आई एम आस्किंग कि क्लोरीन क्या फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज़ कर पाएगा द आंसर इज नो क्यों क्योंकि क्लोरीन का अटोमिक नंबर तो सेवेंटीन है और फ्लोरिन का क्या है नाइन हमें तो क्लोरीन के मुकाबले हाई अटोमिक नंबर वाला आयन चाहिए रहेगा ना तभी वो क्लोरिन उसे ऑक्सीडाइज़ कर पाएगा तो क्लोरीन फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज़ नहीं कर पाएगा बट अगर उसका उल्टा देख रहे हैं दैट इज़ क्या फ्लोरीन ऑक्सीडाइज़ कर पा रहा है तो यस yes, फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज दो आयंस जिनका अटोमिक नंबर ज़्यादा होगा फ्लोरीन से जैसे क्लोरीन हो गया ब्रोमीन हो गया आयोडीन हो गया ओके अब सेकेंड जो इक्वेशन है दैट इज सी एल टू जब x माइनस का साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या होगा खुद रिड्यूस होगा सी एल तो सी एल माइनस हो गया अब ये जो x ऑक्सीडाइज़ हुआ ये x क्या क्या हो सकता है इट कैन बी ब्रोमीन और आयोडीन फ्लोरिन नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता वो हमने अभी देखा ठीक है दूसरी तरफ जो लास्ट रिएक्शन है दैट इज़ ब्रोमीन जब आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा आयोडीन को आयोडीन को ये ऑक्सीडाइज़ कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा तो इस तरीके से जो हैलोजेंस है वो ऑक्सीडाइज़ करेंगे हैलाइड आयंस को ऑफ हायर एटॉमिक नंबर ठीक है नेक्स्ट इज द ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ऑफ हेलोजन इट डिक्रीजेज इन एक्वेज सोल्यूशन डाउन दी ग्रुप अब रिएक्टिविटी हमने देखी कि फ्लोरिन से आयोडीन की तरफ आते हुए रिएक्टिविटी क्या हो रही है कम हो रही है ठीक है नहीं तो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी अगर मैं फ्लोरिन का बोल रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी में तो अगर ये बहुत स्ट्रांग है तो आयोडिन ऑब्वियसली बात है कि अगर फ्लोरिन स्ट्रांग है तो आयोडीन क्या होगा वीक होगा सो so, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी होती है डाउनवर्ड्स जाते हुए क्या हो रही है ये कम होती जाती है एक्वस सोल्यूशन में ठीक है इस चीज़ को हम रिडक्शन uh, पोटेंशियल की वैल्यू से भी समझ सकते हैं जैसे यहाँ इस टेबल में आर दी वैल्यूज आर गिवन रिडक्शन पोटेंशियल अगर फ्लोरिन की बात करूँ तो फ्लोरिन की क्या है इट इज़ प्लस टू देन क्लोरिन की क्या है इट इज़ वन ब्रोमिन की उससे भी कम दैट इज़ वन पॉइंट जीरो नाइन आयोडिन की उससे भी कम दैट इज़ जीरो पॉइंट फाइव फो आपको ये वैल्यूज याद नहीं रखनी है पर ये ट्रेंड पता होना चाहिए तो फ्लोरिन की रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है मतलब वो बहुत अच्छे से खुद रिड्यूस हो सकता है ओके okay? अब वो खुद रिड्यूस हो सकता है मतलब वो दूसरे को बहुत अच्छे से ऑक्सीडाइज़ कर सकता है अब ऐसा कोई काम कर रहा है कि खुद रिड्यूस हो रहा है और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो वो क्या होता है वो होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओके नाउ अनदर थिंग दैट इज जो क्लोरीन है हम पढ़ चुके हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन के नेंथेल्पी क्या होती है ज़्यादा नेगेटिव होती है किसके मुकाबले क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन की नेंथेलपी ज़्यादा नेगेटिव होती है किसके मुकाबले फ्लोरीन के मुकाबले तो उस हिसाब से तो क्लोरीन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए है कि नहीं हमने वही देखा ना कि जो जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को मतलब जो जल्दी खुद रिड्यूस हो रहा है तो वो दूसरे को उतने अच्छे से ऑक्सीडाइज़ कर सकता है तो क्लोरीन तो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन के नेंथेल्पी तो फ्लोरीन से भी ज़्यादा नेगेटिव है सब तो ज़्यादा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए ज़्यादा अच्छा बट ऐसा नहीं है अब इसका क्या रीज़न है कि जो ऑक्सीडाइजिंग वाला पावर होता है किसी भी एलिमेंट की जब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होगा सॉरी ये जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा अब ये ऑक्सीडाइजिंग पावर किस पर डिपेंड करेगा ये एक सल्यूशन प्रॉपर्टी है क्या है सल्यूशन प्रॉपर्टी है मतलब हम सल्यूशन में जज कर रहे हैं कि इसकी सोल्यूशन लेवल पे ये कहाँ किस हद तक ऑक्सीडाइज़ कर रहा है तो ये चीज़ एक सल्यूशन प्रॉपर्टी होती है अब सोल्यूशन प्रॉपर्टी है मतलब यहाँ पे कुछ अलग अलग स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं सबसे पहली चीज़ तो इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि तीन एंथेल्पीज इन्वॉल्व है पहली है डिसोसिएशन एंथेल्पी दूसरी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी एंड लास्टली इज हाइड्रेशन एंथेलपी अब एक एक करके देखते हैं इनका मतलब अब डिसोसिएशन एंथेल्पी मतलब क्या ये जो हाफ एक्स टू जो गैशियस स्टेट में है इसे हमने किस में कन्वर्ट किया एक्स एटम में ठीक है इसको हमने कन्वर्ट किया मोलिक्यूल से जैसे एक्स एक्स है ये उसका कोई एक मोलिक्यूल होगा इस मोलिक्यूल से हमने क्या किया एटम को निकाला बिकॉज हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथेलपी हो गई या ये सारी जो एंथेलपीज है इनको तो हम एटम के लेवल पे डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एनथेलपी का अगर आपको डेफिनेशन याद होगा तो इट वॉज़ फॉर आइसोलेटेड गैशियस एटम नहीं आइसोलेटेड मतलब अलग किया हुआ गैशियस मतलब गैशियस स्टेट में और एटम atom मतलब एटॉमिक फॉर्म में होना चाहिए बट क्या ये यह यहाँ पे एटम के फॉर्म में नहीं दिस इज इन मोलिक्यूल फॉर्म यहाँ पे ये जो एक्स है दिस इज इन एटम फॉर्म तो पहले इसे एटम में लाना पड़ेगा हमें अब इस मोलिक्यूल में से एटम निकालना उसके लिए जो एंथेल्पी इन्वॉल्व होगी दैट इज डिसोसिएशन एंथेल्पी ओके तो मोलिक्यूल से एटम निकाला और एंथेल्पी क्या थी डिसोसिएशन एंथेल्पी अब एटम मिल गया अब इस एटम को क्या करना है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा एक्स नेगेटिव बनाएगा तो इस एटम ने क्या किया इलेक्ट्रॉन को गेन किया और क्या बनाया एक्स माइनस बनाया अब इस लेवल पे जो एंथेल्पी इन्वॉल्व थी दैट वाज इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी बिकॉज इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया इसने अपने घर में बसा लिया इलेक्ट्रॉन को क्या अब इसके साथ ही रहेगा इलेक्ट्रॉन ठीक है तो ये चला गया एक्स में और मिला हमें एक्स माइनस यहाँ पर जो एंथेल्पी इन्वॉल्व थी दैट वॉज इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी ठीक है अब X माइनस जब बन गया एक बार तो इसे क्या किया अब क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी क्या है सोल्यूशन प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे पानी आने आने वाला है तो एच टू आ गया अब इसके साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो ये क्या देगा ये देगा X माइनस बट इन एक्वेज फॉर्म पानी वाले फॉर्म में ठीक है तो इस तरीके से ये तीन एंथल्पिज इन्वॉल्व होती है पहला था डिसोसिएशन एंथैल्पी जिसमें क्या किया मॉलिक्यूल से एटम निकाला दूसरा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उस एटम ने क्या किया इलेक्ट्रॉन को गेन किया और तीसरा है हाइड्रेशन एंथैल्पी उस आयन में जो उसने बनाया इलेक्ट्रॉन गेन करके उस आयन ने पानी के साथ रिएक्ट किया और क्या बनाया एक्वेज फॉर्म आयन ठीक है तो ये तीन एंथैल्पीज इन्वॉल्व थी अब जो ये तीनों वैल्यूज इन्वॉल्व है तीनों रिएक्शंस जो इन्वॉल्व है इनमें देखते हैं कि इन तीनों की वैल्यूज़ क्या क्या थी क्योंकि okay, आपको वैल्यूज याद नहीं रखने आई एम सेइंग दैट अगेन तो उसका टेंशन मत लेना बट ये पता होना चाहिए ना कि किसकी ज़्यादा वैल्यू किसकी कम है किस ट्रेंड में जा रही है तो खाली उसके लिए लेट्स सी दी वैल्यूज़ सबसे पहले तो जो लास्ट स्टेप था हमारा हाइड्रेशन एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी अगर पानी के साथ वो मिला मतलब क्या क्या उसने एनर्जी को रिलीज़ किया एनर्जी रिलीज़ हुई है अब हमें पता है एनर्जी रिलीज होती है तो डेल्टा एच क्या होता है इट इज़ गोइंग टू बी नेगेटिव तो यहाँ पर एनर्जी जो इन्वॉल्व थी दैट इज माइनस वो फाइव वन फाइव किलोजूल प्रमोट ठीक है तो थर्ड स्टेप में एनर्जी रिलीज हुई माइनस फाइव वन फाइव अब सेकेंड स्टेप जो था दैट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेन तो गेन गेनपी के लिए क्या हो जाएगी यहाँ पे वैल्यू ये तो हम जानते हैं दिस इज माइनस थ्री 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 ये यहां पर यह जो डिस्कशन चल रहा है ना एक्स का दिस एक्स इज वॉट दिस इज फ्लोरिन ठीक है फ्लोरिन के बारे में ये पूरी कहानी चल रही है सो so, फ्लोरिन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन गेनथेल्पी क्या थी इट वॉज माइनस थ्री 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 हमें पता है डेल्टा एच नेगेटिव है मतलब एनर्जी रिलीज़ हुई होगी इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो एनर्जी खुशी मनाई ना कि इलेक्ट्रॉन आ गया तो दैट खुशी वाज दैट हैप्पीनेस वाज दिस माइनस थ्री 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 एनर्जी ओके अब स्टेप वन जो है दैट वाज मोलिक्यूल से एटम को निकाला तो उसके लिए तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी तो एनर्जी क्या की गई यहाँ पर प्रोवाइड की गई थी तो यहाँ पर डेल्टा एच क्या हो जाएगा इट इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव तो इसका डेल्टा एच इज़ वॉट प्लस सेवेंटी नाइन किलोजूल पर मोल ठीक है तो ये इंडिविजुअल वैल्यूज़ है इन तीनों स्टेप्स की डिसोसिएशन की प्लस सेवेंटी नाइन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की माइनस थ्री 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 एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी की माइनस फाइव वन फाइव अब ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी क्या होती है ये सोल्यूशन प्रॉपर्टी होती है इससे पहले भी मैंने बताया सोल्यूशन प्रॉपर्टी है मतलब ये तुरंत यहाँ पे तो नहीं आ गया अचानक से ये तीनों स्टेप्स करके ही आएगा ना यहाँ हाइड्रेशन तक तो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी अगर हमें जज करनी है तो वहाँ पे हमें इन तीनों स्टेप्स का टोटल लेना पड़ेगा क्या हो जाएगा तीनों स्टेप्स का टोटल ठीक है अब इस टोटल रिएक्शंस को जब हम एक साथ पूरा नेट रिएक्शन लिखेंगे तो यहाँ पे जो एंथैल्पी आएगी वो क्या पॉजिटिव होगी बिल्कुल नहीं वाई बिकॉज हमारे पास ये जो हाइएस्ट वैल्यू है दैट इज़ फाइव वन फाइव सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू तो फाइव वन फाइव ही है अब इस फाइव वन फाइव की वैल्यू नेगेटिव है मतलब इससे पता चल जाता है कि जो ओवरऑल आंसर होगा हमारा वो नेगेटिव में आएगा है कि नहीं तो अब क्योंकि ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो जा रही है किसके लिए फ्लोरीन के लिए ओवरऑल वैल्यू ठीक है ये तीनों रिएक्शंस की मिला के ठीक है सिंपली इलेक्ट्रॉन गेन एनथेल्पी की बात हम नहीं कर रहे इन तीनों रिएक्शंस का टोटल जब तीनों रिएक्शंस को मिला के वैल्यू इज़ नेगेटिव मतलब विनर कौन हो गया फ्लोरीन हो गया किसके कम्पेरिजन में क्लोरिन के कम्पेरिजन में अब क्लोरिन का जो इलेक्ट्रॉन गेनथेल्पी था वो सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन गेन वाले स्टेप पर ही ज़्यादा नेगेटिव था ठीक है लेकिन हमें तो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी के लिए हम तीनों स्टेप्स को काउंट करते हैं डिसोसिएशन भी इलेक्ट्रॉन गेन भी और हाइड्रेशन भी तो अब ओवरऑल जब हम काउंट कर रहे हैं तो विनर कौन बन रहा है हमारा फ्लोरिन आ रहा है ठीक है क्योंकि वो नेगेटिव हो रहा है कैसे नेगेटिव हो गया बिकॉज हाइड्रेशन एंथेल सबसे ज्यादा नेगेटिव है किसकी फ्लोरिन की दैट इज माइनस फाइव वन फाइव तो ओवरऑल आंसर तो हमारा नेगेटिव में आएगा तो इसकी वजह से जो फ्लोरिन है वो यहाँ पर जीत जाता है तो फ्लोरिन बिकम्स द स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हाइलोजन ठीक है और दूसरी जो बात क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी तीनों स्टेप्स पे डिपेंड करती है जो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथलपी था दैट वाज लेस उसके बाद भी वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था तो एफ टू जो हमने यहाँ पे देखा जो एफ टू वाला एम वा, से इंग की कि डिसोसिएशन किया हमने मोलिक्यूल से आइटम निकाला ये भी आसानी से हो गया यहाँ पर एनर्जी कम लगी क्यों इससे हमने क्या बनाया एफ बनाया क्यों कम लगी बिकॉज ये डिसोसिएशन वाला जो बॉन्ड था इनका बॉन्ड भी वीक था दैट इज़ वीक एफ एफ बॉन्ड ठीक है वो भी हम आगे देख चुके हैं क्यों बिकॉज ऑफ दैट रिपल्जन रीज़न कि घर छोटा है रिपल्जन होता है जो जिसकी वजह से ये ऑलरेडी वेट कर रहे होते हैं कि मतलब कब हम एक दूसरे से अलग हो जाए तो इसकी वजह से यह बहुत जल्दी टूट जाता है इसके लिए इसकी जो डिसोसिएशन इंथेलपी होती है वो भी लो होती है कम होती है दूसरा जो एफ टू था इट हैज़ हाई एंथलपी ऑफ हाइड्रेशन एंथलपी ऑफ हाइड्रेशन हमने देखी रॉज फ़ाइव वन फाइव काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है फाइव वन फाइव ऐसा क्यों इतनी हाई क्यों है बिकॉज़ फ्लोरिन ऑलरेडी अब तक हम बोलते आ रहे हैं कि इसका घर छोटा है इसका घर छोटा है तो फ्लोरिन का घर तो छोटा ही है अब फ्लोरिन अगर छोटा है तो फ्लोरिन का आयन तो और भी छोटा होगा है कि नहीं फ्लोरिन का आयन और भी ज़्यादा छोटा छोटे साइज़ का आयन होगा तो F2 टू इट हैज़ लो एंथलपी ऑफ डिसोसिएशन बिकॉज ऑफ वीक एफ एफ बॉन्ड एंड हाइड्रेशन एंथेल्पी बहुत ज़्यादा होती है वाई ड्यू टू दिस स्मॉलर साइज ऑफ आई एफ माइनस आयन सो ये सारे रीजन्स और जो हमने टोटल देखा कि टोटल जब हम तीनों को ऐड करते हैं तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिलती है ये सारे रीज़न इन्वॉल्व होते हैं कि क्यों फ्लोरिन हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग हेलोजन होता है ओके इट इज स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक है सो क्लोरीन की भले ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव है उसके बाद भी हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है इट इज़ फ्लोरिन